माँ श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय देवदूत चंपकलाल। देवदूत चंपकलाल प्रसंगे आलोचना करिबा निमन्ते कटक जिला डालीजोड़ा श्री अरविंद श्री क्षेत्र प्रभात भाई प्रभात कुमार नायक को मु अनुरोध करुछे। प्रभात भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। हृदय वीणा मो झंकार तोड़ी निरवधि मामा निरवधि मामा हृदय वीणा मो झंकार तोड़ी निरवधि मामा निरवधि मामा सुरधुनी सती झरी धरा तले सुरधुनी सती झरी धरा तले मधुक्षरा तोर ना निरवधि मामा हृदय वीणा मो झंकार तोड़ी निरवधि मामा निरवधि मामा मनंगने सुखर से फाड़ी पड़ी थाए जेबे लोटी सरागे साउटी गुंथी दिए तारे तो नामर माला गोटी मनंगने सुखर से फाड़ी पड़ी थाए जेबे लोटी सरागे साउटी गुंथी दिए तारे तो नामर माला गोटी मो अंधति मीरे आनंदमयी गो मो अंधति मीरे आनंदमयी गो तू एका लोक राहा निरवधि मामा हृदय वीणा मो झंकार तोड़े निरवधि मामा निरवधि मामा लुहर तल सिंधुरे जेबे पाए नामु थलकूल विपत्ति कराल बात्यारे मोर टिकी ना टल मल लुहर तल सिंधुरे जेबे पाए नामु थलकूल विपत्ति कराल बात्यारे मोर टिकी ना टल मल संकट तारिणी मागो से काले संकट तारिणी मागो से काले तो नाम केवल साहा निरवधि मामा हृदय वीणा मो झंकार तोड़ी निरवधि मामा निरवधि मामा निरवधि
निरवधि करुणामयी मा परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र योगदान कर समस्त भाई भाई को मोर नमस्कार। आज विषय हूँ देवदूत चंपकलाल। संसार रे सबु बेले किछि लोक माने भगवान को डाकंती आ भगवान मध्य किछि लोक मान को ए संसार को सब बेले डाकी कि आनंती। भगवान को किछि लोक मान डाकंती एवं भगवान किछि लोक मान को डाकी कि संसार को आनंती। जो माने भगवान को डाकंती सेमान को आमे आम भाषा रे आम शब्द रे भक्त बोली कहू। मात्र भगवान जो मान को डाकी कि आनंती से मैंने खाली भक्त नुहति से शिष्य हो जाती सेवक हो जाती संतान हो जाती जन उपयुक्त कर्मी भी हो जाती। तेणु एकाधार रे भक्त शिष्य सेवक संतान हेबार सौभाग्य इटा समस्त जीवन में मिले एकाधार इति प्रकार सुजोग समस्ते पाते आज आम एम जन सेवक कहतु शिष्य कहतु संतान कहतु बा माँ एक भक्त निरर्ष भक्त विषय आलोचना करवा जी हूँ चंपकलाल। तो आलोक प्रेमर सिंह चंपकलाल बोली कहा जाए अत्यंत माँ निकटतम एकांत अनुगत परमाज्ञा बहकारी इमित शिष्य श्री अरविंद माँ जीवन में अद्वितीय बोली कहा जाए। स्वयं निजे माँ तो यही शब्द से संबोधन करते चंपक तू जड़े देवदूत श्री अरविंद गोटे पेनसिल थिला से पेनसिल माँ काले हजे कौन से दिन माँ निजे हजे चंपकलाल से पेनसिल खोजिकी पाई पाई जो माँ को देदे माँ तत्त कह चंपक तू जड़े देवदूत श्री अरविंद माँ समस्त जिनस सबु जिनस प्रति सदाग प्रहरी भि जाग्रत प्रहरी भि सब जी सचेतन हो व्यक्ति चंपकलाल एवं सतरे भी माँ श्री कार्यपाई से जन देवदूत साजिश जीवन प्रतिटी घटना प्रति मुहूर्त आम समस्त अत्यंत शिक्षार विषय अत्यंत प्रेरणार विषय। श्री अरविंद निजे भी थे कही मोर बहुत बड़ सौभाग्य जे यही भली सेवक मानक मुझे श्री अरविंद गोड़ भागीगला 1938 मसीहा जो सेवक गोष्ठी तंपाई प्रस्तुत हेले जो सेवा कर लगिले ये सेवक जो निष्ठा जो आंतरिकता जो विनम्रता देखिकी श्री अरविंद इति खुशी होते से कहे मोर बहुत बड़ सौभाग्य सेवक मानक पाई भगवान महानता को भक्त मान ही बढ़ी था तांका शिष्य माने जगत सम्मुख परिचय करि थांदी किंतु सेई भक्तान कथा बा शिष्यान कथा प्रायत बेसी कुटी बेसी आलोचना हुए नी। चंपकलाल जणे एमिति शिष्य माकर एमि जणे सुजोग्य संतान माकर जहां का कथा न कहिले मां श्रीन कथा कही हबनी जेमिति रामायण रे हनुमान कथा न कहिले श्रीरामचंद्र कथा कही हबो नाही बा श्रीरामचंद्र कथा कहिला माने हनुमान सामना को आसी द्वापर युगरे श्रीकृष्ण कहला मान ही सम्मुखें अर्जुन आसीजे बा राधा आसीजे अर्जुन को ना न कहीकि पांडव मान ना न कहीकि राधा ना न कहीकि श्रीकृष्ण विषय आलोचना कर पारे ना हनुमान ना उच्चारण न करी श्रीरामचंद्र विषय आलोचना कर पारे ना सेमती चंपलाल विषय चंपलाल कथ न कहीकि श्री अरविंद माँ कथा प्रश्न उठने किसी आलोचना हाब एवं सारा दिन सारा राति जे सबुबेले उजागर होते अनिद्रा जी रोते प्रभु प्रभु सेवाई से व्यक्ति चंपकलाल अतुट सेवा त्यागर चरम दृष्टांत हो चंपकलाल बेले बेले माँ भी कहते चंपकलाल पाखु शिख सेवा केमी कराए श्रृंखला केमी जीवन में आचरण कराए चंपकलाल पाखु शिख कहीं कि जिते भक्त मैने माँ शिष्य मैंने भी चंपकलाल प्रति ईर्षापराण हेले आपत जो भल हो देखिए
ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଚାରିପଟେ ମନକୁ ମନ ତିଆରି ହେଇଯିବେ, ମନକୁ ମନ ଶତ୍ରୁ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଟିକିଏ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁ ମନକୁ ମନ ତିଆରି ହେଇଯିବେ। ଚମ୍ପଲାଲ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଜିତ ଏବଂ ଶିଶୁ ଭଳି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଚଳିଲେ, ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ସେବାର ନିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାଗର ଯେଉଁ ପରାକାଷ୍ଠା, ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଈର୍ଷା ପ୍ରାଣ ହେଲେ ଯେ ସିଏ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀଜନ ପାଖରେ ରହିବେ, ମା କାହିଁକି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ସବୁ କଥାରେ ମା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ବା ସବୁ କଥାରେ ମା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆଗଧାଡ଼ି ରଖିବେ। କିଏ ଜଣ ମାଙ୍କ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ବା ଆମେ ବି ଚମ୍ପଲାଲ ଭଳିଆ ହବୁ, ଜଣେ ସାଧକ ଥରେ କହିଦେଲେ ଯେ ମା ମୁଁ ବି ଚମ୍ପଲାଲ ଭଳିଆ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ମା କହିଲେ ଚମ୍ପଲାଲ ଭଳି ତମେ ହେଇପାରିବ, ହେଇପାରିବ ତମେ ଚମ୍ପଲାଲ ଭଳି, କେତେ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ, କେତେ ନିଷ୍ଠା ଭିତରେ, କେତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭିତରେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ତମେ ହେଇପାରିବ ତା ଭଳି। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଶ୍ରୀଜନ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଜାଗା ଘୁଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, ମା ଖାଲି କହିଲେ ଟେବୁଲଟା ଏଇଠୁ ସେଠିକି ଯିବ, ଚମ୍ପଲାଲ ସେତେବେଳେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟେବୁଲଟାକୁ ଟିକେ ଘୋଷାରିକି ନେଇଗଲେ, ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଘୋଷାରି ନେଇଗଲା ବେଳେ ତଳ ଚଟାଣିରେ ଗୋଡ଼ଟି ଲାଗିଥିଲା, ଗୋଡ଼ଟା ଘୁଷୁରି ଗଲା ବେଳେ ଟିକେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମା କଠୋର ଭାଷା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜାଣିନାହୁଁ ଶ୍ରୀଜନ ରୁମ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି ନିରବତାରେ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ, କେତେ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ବା ଏତିକିରେ ହିଁ ଚପଲା ସଜାଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ଶ୍ରୀଜନ ରୁମ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ, ନିରବତାରେ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସାବଧାନତାର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏତିକି ମାଙ୍କର ତାଗିଦ, ମାଙ୍କର ଏଇ କଠୋରତା ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା, ଶ୍ରୀଜନ ରୁମ୍ରେ କାମ କଲାବେଳେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇକି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାମ କରିବାକୁ ହବ। ମା କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ସଜାଡ଼ିଛୁ, ଅନେକ ଅସଜଡ଼ା ଗୁଣ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିଛୁ ମାନେ ହୁଏତ ଆଉ କାହାକୁ ଏତିକି ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଥିଲେ ବା କଠୋର ହେଇ କହିଥିଲେ, ସିଏ ଭିତରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତା, ହଁ ସେବା ତ କରୁଛୁ ଆମେ କାହିଁକି ଶୁଣିବୁ, ହୁଏତ ଏମିତି କିଏ କହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପଲାଲ ସେଥିରେ ଶିଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତିକି କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳିଆ ବିନମ୍ରତା ବୋଧ ଚମ୍ପଲାଲ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମହାନ ମହାନ ଇତିହାସ କଥା ସବୁ ଅଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯାହା ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତମ କରିଛି। କ'ଣ ସେ ଘଟଣା ସବୁ, ମାଥରେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷିତ ନାମକ ଜଣେ ସାଧକ ଶ୍ରୀଜନ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ, ମା ସେତେବେଳେ ଚମ୍ପଲାଲ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରୁ ମା ଚମ୍ପଲାଲ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଦୀକ୍ଷି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଶ୍ରୀଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚମ୍ପଲାଲ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଦୌ ଆସିନଥିଲେ, ଥରକ ପାଇଁ ବି ଆସିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିନି, ଆଶ୍ରମରେ ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ମା ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଦେଖିଲେନି ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କୁ। ଏ ବି ସେତେବେଳେ ଚମ୍ପଲାଲ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷିତି ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି, ଆପଣ ମୋତେ କେମିତି ଦେଖିଥିଲେ? ମା କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଦେଖିଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଅତିନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟି, ମାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ସେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରୁ ମା ଦେଖିଲେଣି ଏମିତି ଜଣେ ସେବକ ଏମିତି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀଜନ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ଅଦ୍ଭୁତ, ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଶ୍ରୀଜନ ପାଦରେ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ଇତି ନିବେଦିତ, ଇତି ସମର୍ପିତ, ଯା ଆମ ପାଇଁ ଶିଖିବାର କଥା। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ, 1920 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ 1920, ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରୁ ଶ୍ରୀଜନ କାଳେ ସିଡ଼ିରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଚମ୍ପଲାଲ ଗଲେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀଜନ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କାଳ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି କମ୍ ନୁହଁ। ଗୁରୁ ବି ଯେମିତି, ଶିଷ୍ୟ ବି ସେମିତି, ଚମ୍ପଲାଲ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ରୀଜନ ସେମିତି ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ, ନିରବତାର ସହିତ, ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଣାମ ସରିଲା ପରେ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ହାତ ମାରିକି କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇକଲେ, ଏଥର ଉଠ। ଚମ୍ପଲାଲ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇଲେ, ଶ୍ରୀଜନ ଅନୁମତି ଦେଲା ପରେ ବା କହିଲା ପରେ ଚମ୍ପଲାଲ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇଲେ, କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଶ୍ରୀଜନ କିଛି ଇଂରାଜୀରେ ପଚାରିଲେ, ଚମ୍ପଲାଲ କହିଲେ ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଆଣେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାରେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଚମ୍ପଲାଲ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଗୁଜୁରାଟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଶ୍ରୀଜନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାରେ କହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଜନ କହିଲେ ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷା ଶିଖିଥିଲି, ଭୁଲିଗଲେଣି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଜନ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ପଚାରିଲେ ତମେ କେବେ ଜୀବନରେ ଧ୍ୟାନ କରିଛ କି? ଚମ୍ପଲାଲ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରେ।
द्वितीय प्रश्न थिला सेनकर ध्यान रे तमर किछ अनुभव हुए कि चंपलाल कले हां मु त ध्यान रे बसे मु एक ज्योति दर्शन करे चंपलाल को ई कथा सुनी कि सेनकर बहुत हसिले चंपलाल आश्चर्य रे पछले ध्यान करे कि मु कहली हां ध्यान रे आउ किछ अनुभव हो कि मु कहली हां गोटे ज्योति दर्शन करे बा गोटे आलोक को दर्शन करे त हसिवार कोन जी तापर सेनकर कले आउ तमर किछ हुए पुणी चंपलाल कले कले मु त ध्यान रे ज्योति दर्शन करे मो भीतर ता शांति पूरा पूरी जाए परिपूर्ण हो जाए श्रीचंद आहरी हसिले ये पचारे आप हसुच्च कहीं श्रीचंद कहे तुम ध्यान में ज्योति दर्शन करुच मैंने तुम अंतरात्मा सम्मुख आगे अच्छी तुम जीवन में भगवान को प्राप्त हो अंतरात्मार साक्षात परिचन हो द्वितीय कथा तुम ध्यान में शांति लाभ करुच मैंने तुम शरीर स्तर तुम बहुत ग्रहणशील पवित्र शरीर ग्रहणशील शरीर से आलोक व से शक्ति को तुम धारण कला भाई सामर्थ्य पाखे अच्छी जो श्रीरत्न कहते चंपलाल भितर गोटे कथ हठात मन पड़गला हठात मान जो सात वर्ष आठ वर्ष बयस पियुषी सांग में गाँव रेष मुंडे गोटे मंदिर था शिव मंदिर से पियुषी सांगे मंदिर को जाते बाटर गोटे निंब गच पड़े पियुषी आगे आगे जाती ये पचरे जाती जमी से निंब गच पाखे पियुषी क्रस करेंगे पार हे ये जो पछ जाती से निंब गच पाखे पहुँचला कि चंपलाल तले कचाड़ी पड़ती तापर बेहोश हो जाती चेथाशून्य हो जाती टेका टेकी घर को आणती पानी सिंचन कराए पवन पंखा विंचा जाए तापर घंटाए दि घंटा काल पर चेता फेरे अनेक कहती से निंब गच मूल्य बोध भूत कि प्रेत बा कौन असुर बोध अच्छी जे चंपलाल भितर को सी सभा रोचे जहाद्वारा कि बारंबार घटू ये सबुदिन काल हुए बारंबार हुए गुणीगारी करती झड़ाफुंगा करती से चंपलाल बहुत कष्ट पाते बहुत दिन पर जन साधु काले से गाँव द्वारा आसिले परिवार लोक बापा माँ तेज पचारे पर्टिकुलरली से निंब गच बाट दी गला तले पड़ जा कहीं कारण कौन से साधु निंब गच मूल बसिले कि समय ध्यान तापर आखि खोली कहले यही गच मूल बहु वर्ष पूर्व जड़े कि साधु तपस्या करते तपशक्तिर प्रभाव साधुतार प्रभाव इतने घनीभूत हो वातावरण भितर चंपलाल जेहेतु बहुत पवित्र सरल आत्मा टी ये से बाट दे गला क्षणी से निंब गचर वातावरण जो शक्ति अच्छी या सर को हठात अवतरण करेतु ये सान पिला छोट पाटी एत ग्रहणशील ये छोट पिला तो से शक्ति को धारण कर पारे आध्यात्मिक शक्ति को ये सामर्थ्य ना ग्रहण कला भाई तेणु से बेहोश हो चंपलाल ये कथा मन पड़ा पिलाटी दिन कहला जे ता शरीर बहुत ग्रहणशील बा बहुत पवित्र से आध्यात्मिक शक्ति अवतरण कर आसला श्रीअर्ण कहले तुम्हें ज्योति दर्शन करके शांति अनुभव कर तुम शरीर बहुत ग्रहणशील एवं बहुत पवित्र शरीर श्रीअर्ण कथे से बहुत आश्वस्त हो गले दर्शन कार्य सरी जा पुणी गुजरात को फेरी जाइंट गुजरात को फेरी गला कि दिन पर बंधु मैंने ये जो दीक्षित आउ दो कितने बंधु मैंने पुणी आउ थे काले आश्रम को आसती जितेबाला श्री अर्ग से प्रणाम करते श्रीचंद पचारे चंप कथा आसीने कि सेतर कि चंपलाल आसी ना ये बंधु मान को श्रीचंद पचारती चंप कथा आसीने कि सांग मैंने गाँव को फेरीगले जा चंपलाल कहले श्रीअर्ण तुम कथा पचारे तुम्हें जाइना बोली श्रीचंद तुमको मन रखिंट कहले चंप कथा आसीने कि बास कथा ये सरीगला चंपलाल शुणीदे श्रीअर्ण मत पचारे मो कथा मन रखिंट मुझे मत खोजुले भितर जो रोमांच सृष्टि जो भावांतर सृष्टि चंपलाल निष्पत्ति से सरगला आसिक आश्रम पहुँचली से दिन से मन मन चिंता कले मत प्रभु मन रखिंट मो कथा पचारूले मत इन भितर स्मरण आसुच मैंने मत निश्चय जो कह उ मसीह स्थायी भाव आसिक खाली श्रीअर्ण मन रखिंट यही कथा शुणी आीअर्ण मन रख उभ
प्रथम व्यक्ति प्रणाम इंग्रजी मोटे हुए नहीं तेणु इंग्राजी ज्ञान हलानी बोली से स्कूल गलानी कि देखते परवर्त समय जो श्रीअरंग सेवा कले इंग्राजी से बही लिखिले कवित गोटे बही इंग्राजी लेखा भी अच्छी खाली रही इंग्राजी ज्ञान आम जानते नीरज बरण सी बिलास बरण डाक्तर कि कविता केवे लिखी नी श्रीअरंग जेहतु कवि महाकवि नीरज बरण कवि पाल्टी गले मानते रही अटोमेटिक ज्ञान होगा ये इंग्रजी ज्ञान पाईगले सी भी कवि होते श्रीअरंग रही सेवा करीरज बरण कविगले आ चंपलाल मोटे इंग्राजी हो ना इंग्राजी ज्ञान भी होगा तेणु पिलादे चंपलाल केमी प्रभावित हेले बापा गोटे कहानी शुणिले से कहानी हूँ श्रमिक ऋषि कहानी और पुत्र श्रृंगी कहानी श्रमिक ऋषि जंगल भितर स्नान झरणा को भूल कहली श्रमिक ऋषि तपस्या बसंत श्रृंगी जा पुत्र जी झरणा को स्नान जाइंट परीक्षित राजा जंगल को जाते बुल बुल शोष होती से श्रमिक ऋषि बेकर सापटा गुड़े पड़ी आसे श्रृंगी आसिक देखिले बापा बेकर सापटा गुड़ाई सी से अभिशाप दे बापा बेकर जी साप गुड़ सर्प निश्चय दंशन कर श्रृंगी कथा इत सत्य होगा परीक्षित राजा को मध्य सात दिन भितर सर्प दंशन कला चंपलाल यही कहानी पढ़ी शुणिकी इत प्रभावित गले कह जे ऋषि पुत्र वाक्यटा सात दिन तो सत्य होगा तेने जीवन मुझे दिन ऋषि भिड़ा है जमी आम शुणी बाबा जी रघु मेहरा चरित्र पढ़ी प्रभावित हो गले रघु मेहरा जाति केवट थे सी मछ धरले से मछ चंपलाल भितर से भावांतर सृष्टि जे मुझे दिने जीवन में ऋषि भिड़ा हेबी अर्थात ऋषि हेले जहाँ कही दिखती ताइ जाए मुझे दिन से ऋषि हेबी ये गल्पटी भितर एत प्रभाव पड़ा यहाँ सब सामने आखि सामने रखी कार्यटी करती जो आश्रम से रहीगले बापा प्रति पंदर दिन में प्रति दस बार दिन में गोटे चिठी दिखती श्रीअरंग पाखक से चिठीटा हो चंपलाल बर्तमान बयस बेसी है ब्राह्मण घर पिला सी तार व्रत बंधन कार्य सरी बहुत है तेणु आप गोटे कम करूँ चंपलाल घर को पठे दिंतु श्रीअरंग जो चिठी पाती से चिठी को पढ़ाते रखी दिंती गोटे समय बापा निजे पंडितजी आसिले जेहेतु श्री अरविंद आवाह कर कहले से जीव ना श्री अरविंद कौन कले थट्टे कहले मजा कर चंप जाऊन घर को बापा आसह कर से दोकानी जमी पैसा गणिक रखती व्यवसाय मैंने पैसा गणिक रखती भगवान से बेले बेले भक्त मान परीक्षा कर छाणिक रखा बेले रखती निष्ठा के श्रद्धा केते आंतरिकता के परीक्षा हो खाली श्रीअरंग कहते चंपक जाऊन बापा आओ घर को जाओ बहुत करपा से श्रीअरंग से बस चंपलाल सामने भी अच्छा चंपलाल से कांदे छोट पिला कई 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 एत का कांदे शिशु भाई ये कांदर भाव श्रीअरंग भितर एत स्पर्श कर हठात श्रीअरंग कहे ना चंपक जापर ना तापर चंपलाल बापा जान ली श्रीअरविंद मना कले मैंने आउ चंपक कई नहीं पारे ना बापा से फेरीगले चंपलाल सबुदिन श्रीअरंग सेवक रे चंपलाल कहले मुझे बहुत करदेवी तेल सबुदिन भगवान सेवार वंचित होजी बहुत कला मान भगवान सेवार वंचित होते एमती केवे भी कहतुनि कहले यहाँ चंपलाल भावना यहाँ श्रीअरंग प्रति अत्यंत निष्ठा अत्यंत भक्ति जीवन में पारिवारिक बंधन हो बंधन यही बंधन भितर पड़गला भगवान का सेवा सी गोटे दिग रही जाए आ भगवान डाकिया सी गोटे रही जाए डाकनी तो समस्ते कि समग्र जीवन आम जहाँ कौन सेवा समग्र जीवन कौन निरवच्छिन्न मातृपूजा मातृसेवा व्रत यहीटा को जदि किए जीवन अंगीकार कर जीवन जदि किए प्रतिफलन करे व्यक्ति से शिष्य चंपक लाल तेणु दृष्टांत रूप न आनिले सामने न आनिले
साधक मान प्रेरणा कौट पाइबे दृष्टांत क्या शिखे चंपलाल जो आश्रम रही प्रथम कार्य है स्वयं धोती दईवा दिने माँ को कहले माँ मु स्त्री सेवा कर चाहे माँ पचारे कौन सेवा कर स्त्री और सेवा करने समस्त योग्य नुहति समस्ते पारे नहीं कि सेवा तुम कर ये हाथ पते कि भिक्षा मागला से दिन माँ को कही माँ मु स्त्री धोती को धोईकी सुखी ताकि प्रस्तुत रखा चाहे माँ मत यम सुजोग मिलू मत सेवा मिलू माँ कहे देख यार्य तुम पार कि ना मु तो जानी ठीक अच्छे मुझे श्री अरुण को पचारि जदि श्री अरुण कहे तुम ये काम पार माँ निजे गले श्री अरुण पचारे चंपलाल चाहती आपण पिंधा धोती को से धोब सुख परिष्कार भाव भांगिक रख यम सी पार कि प्रभु माँ पचारे श्री अनुमति ने श्री अरुण टी हसिले और कहे ये हि क्या नेट हाँ यू सी पार यहाँ जिते निजे श्री अरुण कहले माँ कहे हाँ श्री अरुण अनुमति देखते ये काम तुम करपर चंपलाल को माँ भी कहले देख तुम ये काम कले लोक तुम के तिरस्कार करेंगे केते समालोचना करेंगे केते निंदा भी करेंगे के तुम ना अपवाद कहे सब सही पार चंपलाल कहले मोपाई प्रभु सेवा ही बड़ किए कौन निंदा करपवाद दौर समालोचना कर मोर कौन जाए आसाजी ये जो माँ सुन पाखे कहले प्रभु पाखे माँ पाखे कहले से दिन माँ भी जाणीगले चंपलाल केवल सेवा बेत आने परवर्त कार्य मिलला श्री अरुण विछना प्रस्तुत करवा सबू कम तो रूम बथा होता किए को कम करे एपरिक स्विच किए अन करेंगे किए विछना प्रस्तुत करेंगे किए फैन स्विच अन करेंगे सब कम तो निर्दिष्ट किए चिठी को डाक घर को ने सब कम बंटा जाता एमती नुह जी मन इच्छा जाऊ कम करदेव चंपला को दिगला श्री अरुण जो खटरे शुंती से खटर विछना को प्रस्तुत करवा गोटे स्वच्छ धड़ा बेडसीट को सी सफा कर दिखती सुखी सारापर आईरन करती जो से खट पर बिछना को बेडसीट पका बेले बेले माँ आसिक कबाट कण पाखे छिड़ाई लक्ष्य करती चंपलाल कार्यर शैली माँ तो कहते चंपलाल जमी भाव में कमटे कर महासरस्वती ये कार्यर शैली को तारीफ करेंगे देखिए कौन से कार्यशैली चंपलाल बेडसीट को खट पर पकाते तो आम साधारण लोक जहाँ करते साधारण लोक कौन करती खट पर बेडसीट पकया था गले बेडसीट खोलदे पकईदे एपट सैज करदे सेपट सैज करदे हाँ एपट धड़ी सेपट धड़ी ठीक अच्छी बैस कम सरीगला कि चंपलाल से भी कम करते चंपलाल देखुले एपट धड़ी सेपट धड़ी सामान गोटे सूता भी एपट सड़ हमने आज मझी अंश ना से लोचा कता रहा टे भांग रहा कौन र यहाँ तो पकेबार शैली मानते जहाँ को कहते निखुण निराट परिपूर्ण चमत्कार कार्य एकदम निर्भुल कार्य यहाँ चंपलाल पार देखा मिलता एवं सबुठ बड़ आश्चर्य कथा जदि बेडसीट जब टे दाग भी लगुला जदि टिके कौट अपरिष्कार होता से बेडसीट को सी व्यवहार करूले और कहते प्रभु आम अपरिष्कार वस्तु केमीपर प्रभु जो वस्तु को व्यवहार करेंगे जो खटरे से शोबे अपरिष्कार बेडसीट बा अपरिष्कार लुगापटा आम के व्यवहार करवा आप देखते ये कथ आम तो निश्चय शिखा कथा ओडार बहुत पाठचक्र मानक आप देखिए माँ का जो आस्था आंटे थी एवं से जगह अनेक फूल भी रखती प्लेट फूल रखती से प्लेट रू फूल पा बोई बोई से कपड़ा भी अपरिष्कार अनेक देखा जाए से कपड़ा को गेजिक धूप लगे से धूपर शिखा लगिकी शहे दुईश कणाई थी और माँ का कपड़ा से थी माँ से कपड़ा बोली थी बुझीपारे जे कपड़ा केते कणा हो गला कपड़े पानी बोहिक फुलर पानी बोहिक अपरिष्कार आनी दिहित मैंने से छमास बदल कि बर्ष थे बदल लोक जानते ना कि चंपलाल कौन कहले चंपलाल कहले प्रभु जो विछन शोबे जो विछना पर बसवे अपरिष्कार जिनस प्रभु केमीपर सबुदिन विछना कर सारापर श्री विछना जा नी चंपलाल कौन करेंगे से विछना पाखे आंठू माड़े विछना को प्रणाम करेंगे हाथ में नमस्कार हे तापर जी थे श्री पचारदे कहले या कम कर प्रेरणा तुम कौट पाइल मानने विछना पर बसि ना से विछना श्री शोबे बसिए विछना प्रस्तुत कर सारापर चंपलाल से विछना को प्रणाम करती मैंने प्रभु विछना और प्रभु से विछना को स्पर्श करती ये से ही समय ताने श्री कहले सूक्ष्म शरीर एक सब जापे प्रभु उपस्थित से विछन अच्छी से विछण को प्रणाम करती चंपलाल थे कहले कहे मु प्रभु सेवा बिना आउ जीवन किसी भी जाने किसी जाने
माँ थे खाली कहीदे थे सी कौन दिन रात गोटे कार्यपाई माँ खोजिले चपल तो स्वतंत्र बिछण ना तो रूम स्वतंत्र ना से रात शोई ना शुंती ना माँ खाली कहीदे कह तू शु जानी प्रभु मुझे शोई ना मैंने सारा दिन कर्मक्लांत हो चपलांत निद आसीज डाइनिंग टेबुल घूम पड़ी राति अधेरे माँ खोजी कौन गोटे काम पर देखे चंपलाल से डाइनिंग टेबुल पाखे मुहटा को माड़ी शोई माँ भाविले दिन सारा परिश्रम करती अपन दिन हो डाकिले नहीं माँ चंपलाल हठात सूक्ष्म ज्ञान जानपाले जो माँ आसे फेरीगले चंपलाल माँ पर छिड़ाले माँ हठात कह कह तू शोई पड़ुचु जानचु प्रभु मुझे शोई ना एति की माँ कथा चंपलाल निद सबुदिन चलीगला आम शुणी रामायण से प्रभु सेवाई रामचंद्र सेवा लक्ष्मण 12 वर्ष खाई ना 12 वर्ष शोई ना 12 वर्ष शोई ना 12 वर्ष खाई ना इंद्र विनाश लक्ष्मण एत शक्ति सामर्थ्य अर्जन करते प्रभु सेवा करते सी तो 12 वर्ष काल शोई ना 12 वर्ष काल खाई ना आप कहत चंपलाल जीवन 12 वर्ष 1923 मसीह स्थायी भाव रही 1950 मसीहा केत वर्ष हो गला 50 रु 23 हरहारी 27 वर्ष काल श्रीअर्द सेवे टिके त्रुटि कर श्रीअर्द चलीगला माँ 73 मसीहा जाते माँ सेवा पुणी परवर्त समय यही सेवे टिके भी त्रुटि करना ना दिने पंडित जी छाड़ी कड़े जा ना सेवे त्रुटि करमी सेवक एमती निरलस शिष्य जहां विषय में शुणु चंपकलाल सारा दिन कार्य व्यस्त रही थी माँ बेबे कौन करती डाकती स्वतंत्र भाव डाकती स्पेशल स्पेशल हूँ कौन माँ बस चेयर उपर चंपलाल डाके कहे गोड़ में मुंड रख दी गोड़ पर चंपलाल कौन करते आंठू माड़ की बसती छोट पिला जमी माँ कोड़ मुंड को गुंजी दिए चंपलाल कौन करती माँ को कोड़ मुंड को रखी दिखती आश्चर्य कथा माँ कौन करती से कोड़ में मुंडा रखी देला बेले चंपलाल बेले निद हो जाए जेहतु सारा दिन कर्मक्रांत होता यहाँ सका सका समय भोर भोर समय ये काम भी माँ कराती जो निद हो जाए माँ कहते छोट पिला जमी उठे माँ जमी शो दिए चंपलाल मुंड को उठे विछणा पर माँ रखी जाती इटा केत चंपलाल जापारती पुणी जापारती चंपलाल मुंडा से विछणा पर थी माँ कौन करेंगे तरह जो उत्तर जो एप्रोन टी माँ कौन करेंगे पाद ठार से मुंड जाए तीन थर कि चार थर धीरे 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 कोमल स्पर्श देते माने माँ को स्पर्श से माँ को सानिध्य चंपलाल सारा दिन क्रांति कुआ चल जाए पुणी शक्ति पुणी उत्साह नहीं काम कर बाहर थे श्रीमंत कहले तोर जब किसी भी असुविधा हुए मत कहू और लेखिक देवु आ श्रीरंद चंपलाल बाबा बोली डाकुले बाबा शब्द संबोधन करते प्रभु कहते ना बाबा बोली कहते माँ को सीधा सड़क श्रीरंद को सीधा सड़क बाबा बोली डाकुले दिने थे माँ को पचार कह माँ प्रभु सेवाई प्रभु काम पर मोर से यथार्थ मनोभाव अच्छी सेवा कला भाया मोर किसी गुण अच्छी आप कम कला भाया मो पाखे से भाया सामर्थ्य किसी अच्छी माँ कहे तो पास से गुण न था तमें कहीं डाकिचु आम पर तेज से डाकिचु श्री अरविंद काम करने सेवा करने तेज डाकि माँ कहे तो पाखे से मनोभाव अच्छी से मनोभाव ना ये कहीं डाकि सतरे भी कहीं डाकि कहते आउ चंपला जन एमती माँ को संतान जिते सारा दिन जब माँ काम करांत हो जाती माँ तो आसिक आराम से बस पड़ती सारा दिन कर्मक्रांत भितर चंपलाल कांदी पका आखिरी लुह आसी जाए माँ को कर्मक्रांति की देखिक चंपलाल बहुत समय कांदी पका माँ भी बेबे देखती चंपलाल को माँ का कष्ट से देखिए सही पारे थर थे कौन करती बस जगह जाए माँ को कुंडे धरने छोट छुआ कुंडे धरती माँ को थर थे कुंडे धरने माँ के कष्ट सहुत माँ केश्रम कर थे माँ कहते कह चंपक तू गोटे अर्ध देवतारे अर्ध देवता माँ कहीदे डेमी गड बोली कहे कहीं माँ का कष्ट सी जापारा माँ को कष्ट माँ का जंत्रणा ये जापारती माँ कहले तू गोटे अर्ध देवता पाल जाइ थे श्रीन कहले कह चंपक तू कथा कहला बेल मुझ सचेत नहीं कथा कह कहीं कहले श्रीन को श्रीन कहीं कह चंपलाल को कथा कह सचेत नहीं कथ कहू कारण जेहेतु चंपलाल जीवन में माँ तो निजे कहे चंपलाल जीवन के मिछ कहे चंपलाल जीवन काले मिछ के तेणु श्री जानी चंपलाल बाक्सिद्ध महात्मा पाटर जहाँ बाहर ताइव आश्रम को हजार हजार व्यक्ति मैंने आसते आगंतुक मैंने भक्त मैंने शिष्य मैंने आसते तेणु श्री दर्शन करने सांगे सांगे अनेक चंपलाल दर्शन करते चंपलाल प्रणाम करते चंपलाल तो प्रणाम चाहू नुले
ବା କେହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଣାମ କର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଗ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କିଏ ସେ ଅଟକେଇବ? ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ପାଖରେ ଭଗବାନ ତ ବେଳେବେଳେ ପରାଧୀନ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଚମ୍ପଲାଲ ବି କ'ଣ କରିବେ? କିଏ ତଳେ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ବା କିଏ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଚମ୍ପଲାଲ ନିରୂପା ହେଇଯାନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଜାଣିକି ଶୁଣ କଲେ ତୁ କଥା କହିଲା ବହୁତ ସଚେତନ କଥା କହିବୁ, ସାବଧାନୀ କଥା କହିବୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, କାହାର ଅଭିଯୋଗ ବି ଅଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର କାମନା ଅଛି। ଯଦି କାହାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ନପାରିକି, ଯଦି କାହାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁ ସହି ନପାରିକି ଯଦି କହିଦେବୁ ହଁ ଏଇଟା ତୋର ହେଇଯାଉ, ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଟା ଯଦି ଭଗବାନର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରୋଧ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କହିଲା ବେଳେ କୋଉଟା ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ନ ଚାହାନ୍ତି ସେଇଟା ସଚେତନ ହେଇକି ସାବଧାନୀ କଥା କହିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ, କହିଲା ବେଳେ ତୁ ସାବଧାନୀ କଥା କହିବୁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଥା କହିବା ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସମର୍ପଣର ଆଉ ଚରମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଖାଲି କହିଦେଲେ ତୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସାବଧାନୀ କଥା କହିବୁ, ଏତିକି କଥା ଚମ୍ପଲାଲ ବୁଝି ନେଇଗଲେ ବୋଧେ ମୁଁ କଥା କହିବା ବୋଧେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ, ତେଣୁ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କଥା ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରିଯିବ ତାହା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, କାହିଁକି ବି ଯେଉଁଟା ତାହା କହିଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବି ଅହିତକର ହେଇଯିବ? ଏତେ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏ କାମ ଚମ୍ପଲାଲ କରନ୍ତି। ଥରେ ଚମ୍ପଲାଲ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସୁନ୍ଦର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆସି ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଲେ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଧଳା ପ୍ଲେନ୍ ପେପରକୁ ରଖିଲେ, ଧଳା କାଗଜରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଶ୍ରୀରଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ପାଦଟାକୁ ତା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ କ'ଣ କଲେ, ଦୁଇଟି ଯାକ ପାଦକୁ ସେ ଧଳା ପେପରଟି ଉପରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଦ ଚାରିପଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେନସିଲ୍ ଗୋଟେ ମାପ ନେଇପାରିବି କି? ଆପଣ ପାଦର ମାପ ନେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ପାଦର ମାପ ନେବି। ଶ୍ରୀଙ୍କ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଲେ, ଚମ୍ପଲାଲକୁ ଅନେଇକି ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମାପ ନେଇପାର। ଚମ୍ପଲାଲ କ'ଣ କଲେ, ସେ ପାଦ ଚାରିପଟେ ପେନସିଲ୍କୁ ବୁଲେଇକି ସେ ପ୍ଲେନ୍ ପେପର୍ରେ ମାପଟେ ନେଲେ। ମାପଟେ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀଙ୍କ ନିଜେ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ଦିଅ ସେ ପେପର୍ଟା। ପେପର୍ଟି ନିଜେ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କ ହାତରୁ ନେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଙ୍କ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ପାଦ ମଝିରେ ଶ୍ରୀଙ୍କ ନିଜେ କ'ଣ କଲେ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲେ। ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କର ସେଦିନ ଯେଉଁ ଖୁସି, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯେ ହାତରେ ଦସ୍ତଖତ ବି କରିଦେଲେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲା, ଏଇଟାକୁ ଚମ୍ପଲାଲ ବହୁତ ଯାଏ ସାଇତି ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଟିକିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବିନ୍ଦୁ ଟିକିଏ ବାହାରିଯାଏ, ଟିକିଏ ଝାଳ ବାହାରେ, ଚମ୍ପଲାଲ ଦୌଡ଼ି ଯିବେ ତାଙ୍କର ସେ ଶରୀର ଝାଳକୁ ତାଙ୍କର କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ। ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶରେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀର ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନେବ, ସେମିତି ଧୀରେ 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 ପୋଷନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା 1938 ମସିହା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାପରେ ପରେ ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପୁରାଣୀ ବୋଲି ଜଣେ ସାଧକ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ କାନ୍ଧରେ ଦୁଇପଟ ହାତ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ରେ ସେ ଘର ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତି। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା, ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ, ପୁରାଣୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ। ନିରୋଦ ବରଣ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ରହନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଦିନେଶ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଯେ ତମ କାନ୍ଧରେ ମୁଁ ଟିକେ ହାତ ଦେବି ବା ତମେ ଟିକେ ଆସ, କେବେ ଡାକନ୍ତି? କାରଣ ଚମ୍ପଲାଲ ସବୁ ଜଗିଥାନ୍ତି ନା, ଇଏ ସୁଯୋଗ କିଏ ସାର ଛଡ଼ା କରିବ। ଦିନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଚମ୍ପଲାଲ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ନିରୋଦ ବରଣ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେ ଡାକିଦେଲେ ନିରୋଦ ବରଣ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମାନେ ସେ ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତର ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ନିରୋଦ ବରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବନା ଥିଲା, ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଭରା ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପୁରାଣୀ କାନ୍ଧରେ ଭରା ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଦିନେ ବି ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲାନି, ଏଇଟା ଦିନେ ଭାବିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଦିନ ଚମ୍ପଲାଲ ନଥିଲେ, ନିରୋଦ ବରଣଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଦତାରଣା କରିବି, ନିରୋଦ ତମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ନିରୋଦ ବରଣ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ନିରୋଦ ବରଣ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ପୁରାଣୀ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଚମ୍ପଲାଲ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ନିରୋଦ ବରଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମ୍ପକୁ ଆସିଲାଣି, ନିରୋଦ ବରଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ନିରୋଦ ବରଣ ସେଦିନ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ଭାବେ, ଯିଏ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁକମ୍ପା ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ସେବା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଶେଷ ସମୟ ଆଡ଼କୁ କେତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କୁ, ଏପରିକି December 1-2 ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ, December 4 ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ହବ, 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କୁ ସେମାନେ କେତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି,
से फोटो भी आपड़ कि देखिथे कितने चंपराल कहते प्रभु बोधे चली जी मुझे जापार नी प्रभु चली जबार समय निकट रही आसला बोधे सी मत सेवक हिसाब से संतान हिसाब से शेष आसले शेष स्थान देवा बारंबार छाती भिड़ी धरते बारंबार कूल से कोलाग्र करते यही स्नेह श्रद्धार चंपलाल को परिपूर्ण करदे यही जीवन अनेक सब कथा अच्छी तेणु बेले बेले कौन हुए चंपलाल दिने माँ को कहले कहे माँ मो भर कहीं गोटे इच्छा होती श्री रत्न रूम सामने गोटे फुलदानी सजेले हाँ माँ कहे सुंदर कथा श्री रत्न रूम आगे फुलदानी सजेब सजे पार चंपलाल कौन कले फुलदानी आने सजेदे रखीदे तापर चंपलाल कहते माँ सुंदर देखा कि ना माँ कहे बहुत सुंदर देखा चंपलाल पुणी माँ को पचार कहे माँ ये फुलदानी श्री रत्न रूम आगे रही है मुझे सत आठ दिन भाविले आज आपको पचारि आप कह रखिली यही भावना मो भर को गोटे सप्ताह प्राय आसगला माँ कहे गोटे सप्ताह ये भावना तो भर को आसला यही भावना को मसक ते ये बातावरण भितर मुझे छाड़ी थी जे श्री रत्न रूम सामने गोटे फुलदानी गोटे फुलर बेस रही भल हाँ मसक ते मुझे छाड़ी थी मुझे अपेक्षा करी देखा जाऊ यही भावना किए से ग्रहण करना किए से बुझीपार एकम्र तु ये भावना को तू ग्रहण कर पार ताने माँ कह जे चंपलाल इत्ते ग्रहणशील माँ गोटे कथा को भाविले से भावनाटा को चंपलाल बुझीपारे कि माँ जे मसक पूर्व भावी चंपलाल गोटे सप्ताह पूर्व धरले मैंने आहरी बैश तेईस दिन पर जाकि चंपलाल से कथा बुझे आप भावतु माँ का भावना को जब चंपलाल बुझापी जानापी मसे कोड़े बैश दिन पर भावी जानापी समय लगुला साधारण मनिषटे माँ का भावना माँ का चिंता कमी जानव आप चिंता करते तेनाली माँ बहुत पढ़ती तुम्हें मनर मापर गति में बांपी हम ना माँ कौन भावुंच माँ कौन करपरिकी तुम चरम व्यापक बुद्धि पक्षे भी जी जिते बड़ बुद्धिमान लोक हो जी जिते बड़ चालाक हो जिते ज्ञानी हो माँ का इच्छा माँ का भावना को जाणीहब ना केवल चंपलाल भाई सरलता थे चंपलाल भाई सेवार भाव थे चंपलाल भाई शिशुर भाव थे फिर तो जापर यही थी चंपलाल भितर महानता जो कथ को आम सहजे चिंता भी करें अनुभव कर जापर नहीं कितने विराट कार्य जीवन में सुजोग मिलता चंपलाल थे कौन करते गोटे प्रेरणा आसला से प्रेरणा हूँ कित गोटे पद्मफुल से आसिक नहीं कि माँ भारे पहुँचले गोटे गोटे पद्मफुल माँ हाथ को बढ़ी जड़े साधक को से पद्मफुल भितर पद्मफुल को चिंता करी माँ का सहित एकाग्रम होवेदन करती से बहुत कम साधक थे गोटे पद्मफुल बढ़ाती जड़े साधक को सामना को आणती पुणी गोटे पद्मफुल बढ़ाती जड़े साधक को सामना को आणती तो मैंने जितेटा पद्मफुल आनी जन साधक थे समस्त पद्मफुल भितर सब साधक को एकात्म होते सी माँ का पाखे नवेदन कले माँ को मुखमंडल प्रति पद्मफुल बदल जाऊला ये पद्मफुल दौले तो माँ का मुखमंडल बदल जाऊला शेष में माँ कहली चंपक तु ये रहस्य कौट जाणिल इत चमत्कार प्रत्येक सहित तू एकात्म हो कि फूल भितर फूल मध्यम नवेदन कर जो गुण ये तो कौट शिखिलु ये सब कला देख चंपलाल किमी सब शिखुले कि सब जानुले आ चंपलाल कहते कहे मत कहीं जीवन में ये सब कार्य करार अधिक प्रेरणा मिलला ना जो हनुमान विश्वल्यकरणी जो जाते पर्वत आने पर्वत आने विश्वल्यकरण चिन्ह पारे टोटाल पहाड़ा टेके आने से पहाड़ टेकेला बेले अयोध्या आकाश देखिए आसोध्या आकाश देखिए आसला बेले हठात भावना आसला मुझे न था पहाड़ किए से टेक नहीं था आतीक भितर पहाड़ न नहीं सका लक्ष्मण जो शक्ति किए से बंची था जाओ मो भली सेवक मो भली सेवाकारी मो भली भक्त आउ कई ना यहाँ हनुमान कथे ये जो अहंकार भावना आसीगला यही भावना आसला बोली भरत अयोध्या आकाश में बुलूले अयोध्या बुलूले देखिले आकाश उपर किए ये बड़ गर्जन कर भयंकर रूप विराट पहाड़ नहीं जाऊँगी सी से बाटुड़ी मारे और हनुमान से गोड़ भांगीगला पहाड़ गोटे जगह पड़ा हनुमान तले पड़े भंगा गोड़े छोटा भाया छिड़ जाती हनुमान जी पाखे पहुंची पचारे तुम्हें किए सब परिचय है सी कहे प्रभु सेवा मुझे आसली और भरत भी कहे मुझे श्रीरामचंद्र भाई भरत ये जो विराट परिचय होगापर हनुमान से अनुभव कले जे मत ये कहीं बाटुड़ी मारदेला बाटुड़ी मारदार कारण हूँ जे मो भर गोटे भावना आसला मुझे यही कम किए से करता यही अहंकार पतन होगला हनुमान महाकाश में पहाड़ टेक नौ लोग पतन होगा
चपलाल कहती कहे मोर सब गप मन पड़े सब कथ मन पड़े जमी थे गोटे थर हनुमान चिंता आसीगला यही कम कर किए मु नी हनुमान भाभीदे तो सेमती प्रभु मो भर के भावना न आसू मु नी यही सेवा किए कर गोटे गोटे कथा ये गोटे गोटे दृष्टांत हनुमान जीवन को आहुरी भक्तिमय कर आहुरी सेवे अधिक तल्लीन कर सेवक यही साधक शिष्य होते चंपकलाल आम बहुत सौभाग्य आम भितर अनेक कई आप चंपकलाल को देखी ओडिशा को बहुत आगे आसार केतक जगार सी शिव समाधि देहांस को से निज हाथ में प्रतिष्ठित कर बहुत आश्रम मानक जामी गोटे समय ओडिशा को बाबाजी महाराज आसिले प्रपत्ति आपरिकी दिमन भाई भी आसती उधार जी आश्रम बहुत साधु मान आसा मटी भी धन्य ओडिशा भूमि को चंपलाल भाई महान सेवक आसी पूरी श्रीजगन्नाथ मंदिर दर्शन करशार बहुत अनुष्ठान जाइार विभिन्न जो जगह को सी जा जगार अनुष्ठान तैयारी तेणु यही महान सेवक मान विषय आम जो शुणी आम भितर आहरी सेवाई किसी प्रेरणा पाए आम भितर प्रति अधिक कमी त्याग सृष्टि हे कि निस्वार्थ सृष्टि हे यही दिगर आम भितर आउ गए प्रेरणा मिले मुझे शेष कहि थे महाशिव रूम रे चंपलाल ठीडा श्रीमंद जमी खाली चंपलाल को अनई देखते चंपलाल खाली अपेक्षा करीमंद के गोटे कौन आदेश करेंगे माँ आसिले श्रीमंद रूम रे गोटे चेयर पर बसिले से माँ को पीठ से जंत्रणा है मान पीठ पटे गोटे श्रीमंद खाली अनई दे चंपलाल को से चंपलाल बुझीगले श्रीमंद चाहते माँ का पीठ पाखे चेयर गोटे तकिया दे दरकार चंपलाल उठीगले दौड़ गले तकिया जाणी देदेले श्रीमंद सर ये खुशी होते मानते सी कौन चाहते चंपलाल जापारे अनईदे सेवाई दौड़ जाते यहीभिया महान शिष्य महान सेवक श्रीमंद माँ पाखे सारा जीवन त्वायत करते उन्नीस तेस्तरी मसीहा जा माँ देहत्याग कलापर से बाहर को आसिले ओडिशा को आसिले गुजरात भी गले ना श्रीमंद थी जाए बाहर को कुआ जा माँ भी थी जाए बाहर को कुआ जा समग्र जीवन सेवा समग्र जीवन सेवा सेवा ही साधना त्याग ही साधना प्रभु पाखे निरल समग्र जीवन को जदि किए सेवामय करते से व्यक्ति हेल्ले चंपकलाल आज दिवस आम स्मरण करी अत्यंत कृतार्थ समस्त को बहुत धन्यवाद नमस्कार वंदे मातरम वर्तमान गोटे मिनिट माँ का नाम रूप करने सहित आज पाठचक्र को समाप्त करवा ma 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 ma